Assalamualaikum, welcome students. Here is Noreen Zafar and I will discuss the topic with you is agriculture sector in Pakistan. You people know this is very important and topic, and agriculture is very important sector in Pakistan. Firstly, I will discuss about the introduction. Pakistan's agriculture sectors play a central role in economy. आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसकी 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से अफिलेटेड है. इट कंट्रीब्यूट्स 18.9% टू GDP एंड एब्जॉर्ब 42.3% ऑफ लेबर फोर्स. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 18.9% इनकी GDP ग्रोथ में जो है वो अजाफा करती हैं, और इससे रिलेटेड जो है वो 42.3% जो लोग हैं वो इस सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि इसमें हमारी 42.3% जो है वो लेबर फोर्स है. इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन अदर सेक्टर. ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है उसमें एग्रीकल्चर का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक रोल है, क्योंकि हमारा जो है वो हमारा फूड यहाँ से फूड आइटम्स या कैश क्रॉप्स जितनी भी होती हैं वो वहाँ पे सेल आउट होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ज़र मुबादला कमाता है. अकॉर्डिंग टू द सिक पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस ऑफ पाकिस्तान 2017, द कंट्रीज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.4% पर एनम. यानी पर ईयरली जो है वो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज़ हो रही है. अगर हम 2017 के जो है वो सेंसस को देखें तो उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है. 2.4% होती है पर एनम, जिसकी और इसका क्या है, दिस रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ रेजिंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. यानी कि जैसे ही हमारी आबादी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो डिमांड्स होंगी खाने पीने की या चीज़ें जो यूज़ में आती हैं हमारी चीज़ें उनसे रिलेटेड जो होगी वो बढ़ती जाएगी. तो इसलिए जो है डिमांड इसकी इसलिए जो है एग्रीकल्चर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग दिस सेक्टर एंड इन दिस कनेक्शन इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ मेजर्स सच एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग मार्कअप रेट्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट इन्हेंसमेंट, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर प्राइसेस एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्री ट्यूबर्स. यानी कि ये जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसके मुताबिक जो अगर हम देखें तो हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके मुताबिक जो एग्रीकल्चर की जो है डेवलपमेंट के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने जो है वो जो है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को जो है वो ज़्यादा इन्हेंस किया है. इसके अलावा उन्होंने वाटर जो जहाँ जिन इलाकों में वाटर की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए उन्होंने डैम्स बनाने के लिए जो है ना वो कोशिशें की हैं और पानी पहुंचाया है पहुंचाने की कोशिशें की हैं. इसके अलावा जो है वो जहाँ पे ट्यूबवेल्स की ज़रूरत थी वहाँ पे एग्री ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं कि जो है जो एग्रीकल्चर की फील्ड को जो है वो सिक्योर किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्शन ही नहीं होगी एग्रीकल्चर से तो हमारा आबादी बढ़ जाएगी तो हम लोग हमारा तो हमारा मुल्क एक जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो कि जहाँ पे जो है अभी हमें इस से जो है वो हमें फ़ायदा हासिल होगा. अगर हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाती है तो हम अपनी ज़रूरियात भी खाने पीने की पूरी कर सकते हैं.
Then importance of agriculture in Pakistan. The sector directly supports 3/4 of country's populations, employs half the labor force and contributes a large share of foreign exchange earning. एक तो ये sector जो है वो हमें जो है वो food देता है, दूसरा ये हमारे जो लोग हैं जो uneducated हैं उनको जो है वो लेबर फोर्स दे यानी लेबर देता है, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो खेतों में काम कर लेते हैं. हमारी गांव की आबादी जो है वो ज़्यादातर जो है वो खेतों में काम करती है, तो वो इससे जो है ना इसके साथ जो है वो एग्रीकल्चर के साथ हैं लोग ज़्यादा. और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसमें भी हमें जो है ना वो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होती हैं. द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कॉटन, वीट्स, राइस, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. आपको पता है ये मेन हमारी जो फसलें हैं उनमें हमारी कॉटन है, गंदम है, चावल हैं, फिर हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आती हैं. पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम टू सपोर्ट प्रोडक्शन. पाकिस्तान को जो है वो एक ये क्रेडिट हासिल है कि पाकिस्तान में जो है वो एक लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम है, यानी कैनाल सिस्टम बनाया गया है जो कि जहाँ जहाँ पे पानी नहीं मुहैया वहाँ पे जो है कैनाल सिस्टम के ज़रिए जो है वो पानी जो है वो मुहैया किया जाता है जो कि सपोर्ट करता है प्रोडक्शन में. देर आर टू प्रिंसिपल सीज़न, दो हमारे यहाँ पे सीजन्स होते हैं. एक तो खरीफ सीज़न होता है. खरीफ सीज़न में कौन कौन सी फसलें होती हैं जिनमें कॉटन होता है, राइस होता है, शुगर केन होता है, जो कि चलता है मई टू नवंबर, यानी मई में जो फसलें काश्त की जाती हैं उनको खरीफ जो है वो फसलें जो क्रॉप्स भी कहा जाता है. वीट इज़ द मेजर रबी. रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं जिसमें जो है मेजर जो है वो वीट है, यानी सर्दियों में हम वीट को बोते हैं और फिर गर्मियों में इसको काटते हैं, यानी मेजर क्रॉप्स. पहले तो मैं आप लोगों को क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी कि क्रॉप्स की टाइप्स कितनी होती हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप. कैश क्रॉप इज़ एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज़ ग्रोन फॉर सेल टू रिटर्न और प्रॉफिट. कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे हम सरे मुबादला कमाते हैं, लाइक टोबैको हो गया और कॉटन हो गई. दीज आर द मेजर कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान. फूड क्रॉप्स, अ फूड क्रॉप इज़ एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज़ ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी ये फूड क्रॉप्स वो होती हैं जो कि हम अपने खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो काश्त करती हैं, तो उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं, लाइक वीट, राइस, शुगर केन, मेज, ये सारी जो हैं ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो फूड क्रॉप्स हैं. एंड नाउ यू कैन सी द इमेज, कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स आर कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, एंड फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज, बार्ले, ग्राम्स, ये सारी जो हैं हमारी फूड क्रॉप्स. मेजर फूड क्रॉप्स, मेजर फूड क्रॉप्स में हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है वीट. दिस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान. आप लोग हम जो है वो गंदम को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं हमारी रोटी में, हमारे डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो वीट का यूज़ होता है. वीट क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन मेन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूड पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड के पी की. इन इलाकों में जो है वो मेजर सॉरी गंदम जो है वो उगाई जाती है. पाकिस्तान इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर कंट्री इन एशिया एंड स्टैंड्स 11th इन द वर्ल्ड. 11 यानी कि 11th नंबर पे जो है वो पाकिस्तान दुनिया में है कि वो गंदम जो है वो प्रोड्यूस करता है, और जो है फोर्थ नंबर में एशिया में है. द डेली डाइट ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन वीट क्रॉप, यानी हमारी डेली डाइट जो है वो हमारी वीट क्रॉप, यानी हम डेली रोटी खाते हैं. रोटी नहीं खाते तो गंदम से बनी हुई चीज़ें जो है ना वो हमारी डेली यूजेज में आती हैं.
Pakistan exports wheat to China, Saudi Arabia, Europe and some countries of Central Asia. इन इलाकों को जो है पाकिस्तान जो है गंदम फरोख्त करता है. ये आप देख सकते हैं वीट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान 2011 से 12 में 23.47% थी, 12 टू 13 में 24 इंक्रीज़ हुई. सबसे ज़्यादा 13 और 14 के ईयर में जो है हमारी प्रोडक्शन हुई. और ये सारी प्रोडक्शन का मैप है. राइस द सेकेंड फूड क्रॉप इज़ राइस. राइस इज़ अनदर स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ अ मेजर राइस एक्सपोर्टर एंड एनुअली एक्सपोर्ट अबाउट 2 मिलियन टन और अबाउट 10% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. यानी 10% जो है ना हमारी ट्रेड में जो है ना वो चावल की फरोख्त होती है, जो कि तकरीबन 2 मिलियन टन्स होते हैं. अबाउट 25% ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ पाकिस्तान फेमस फ्रेग्रेंट बासमती राइस. बासमती राइस पाकिस्तान के जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं. वो अपनी खुशबू की वजह से बहुत फेमस है कि जहाँ पे भी बासमती राइस पक रहे होते हैं वो आपको उसकी स्मेल से आप पहचान जाते हैं कि ये बासमती राइस है. राइस इज़ पाकिस्तान सेकेंड लीडिंग सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग. यानी ये ज़रिए मुबादला कमाने का दूसरा सोर्स है. प्राइवेट ट्रेडर्स हैंडल आल एक्सपोर्ट्स. पाकिस्तान मेन कॉम्पिटिटर्स इन राइस ट्रेड्स आर थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडिया. इंडियन चावल भी बहुत फेमस है और वियतनाम और थाईलैंड का पाकिस्तान जो है ना इनका कॉम्पिटिटर है. यू कैन सी द मैप ऑफ राइस प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान. 2014 to 2015 में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो राइस की प्रोडक्शन हुई और हमने इसको एक्सपोर्ट किया. राइस प्रोडक्शन इन 2017 to 2018 में जो है 6.9 मिलियन टन्स जो है वो हमने जो है प्रोडक्शन हुई थी. और कंजप्शन इज़ फोरकास्ट एट 2.95 मिलियन टन, इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम द लास्ट ईयर. माई एक्सपोर्ट्स आर प्रोजेक्टेड एट 4.2 मिलियन टन, अप 5%. ये सारा इसका डेटा है कि ये 2017 में कितना जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाए. द थर्ड फूड क्रॉप इज मेज, जिसको मकई कहते हैं. मकई भी हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है. हम इसमें इन पाकिस्तान में मेज इज़ द लार्जेस्ट क्रॉप, ग्रोन क्रॉप आफ्टर कॉटन. कॉटन और वीट के बाद और राइस के बाद ये फोर्थ जो है क्रॉप है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़र मुबादला से हम कमाते हैं. इट इज़ मेनली सोन इन टू सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम. यानी इसको हम खजां और बहार में बोते हैं. इन स्प्रिंग इट इज़ प्लांटेड फ्रॉम फेब टू मार्च, वाल इन ऑटम इज ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू अगस्त. द मेज लाइफ साइकिल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. द वाटर डिस्क्रिपेंसी एंड एट एन फोनोलॉजिकल स्टेज रिप्रोडक्टिव एंड मेच्योरिटी स्टेजेस हैज सेवियर पोर्स एंड कैन डैमेज द ग्रेनरियल. यानी पानी की दस्तियाबी जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी थी. जहाँ पानी इसको नहीं मिलेगा या सही वक्त पर नहीं मिलेगा तो ये जो है ना फसल ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. शुगर केन, दिस इज़ द फोर्थ फूड क्रॉप भी कह सकते हैं, इसको हम कैश क्रॉप भी कह सकते हैं. शुगर केन इज़ गन्ना जैसे कहते हैं, जिससे चीनी बनती है. शुगर केन इज़ अ हाई वैल्यू कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान एंड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर शुगर रिलेटेड प्रोडक्शन. यानी हमारे मुल्क में जो है ना वो शुगर यानी बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या बहुत बाहर भी बहुत यूज़ होती है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान. इफ अकाउंट्स फॉर 3.4% ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर वैल्यू एंड 0.7% ऑफ द ग्रोस प्रोडक्ट. एज अ शुगर क्रॉप, शुगर केन इज़ द चीफ बायोफ्यूल क्रॉप वर्ल्ड वाइड. शुगर केन इज़ believed to be the most important traditional and commercial crop of industrial importance worldwide due to the strategic and commercial application almost our industry. Sugar की industry भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए famous है क्योंकि इसको जब तक इससे गन्ने से या हम लोग शुगर नहीं बनाएंगे तब तक इसकी उस तरह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. शुगर केन इंडस्ट्री प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल एंड इट इज़ बेस्ड फॉर ऑल मेजर स्वीटनर्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री.
यानी जब चीनी बनेगी तो ऑब्वियसली फिर इसको जो है ना सब स्वीटनर्स में यूज़ किया जाएगा और स्वीट के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कि एक मेजर जो है वो एक पार्ट है हमारी लाइफ का। देन कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप में फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी कॉटन। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कॉटन। पाकिस्तान रॉ कॉटन के एतबार से दुनिया का जो है वो एक इसको एक लार्जेस्ट कंट्री कहा जाता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। कॉटन इज़ एन अदर कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, ये कैश क्रॉप एंड पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कॉटन। इन 2011 to 2012 पाकिस्तान रैंक एज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे आ गया था विद द 9.81% शेयर इन ग्लोबल कॉटन। इसके को पाकिस्तान का शेयर जो था वो 9.81 था ग्लोबली। अकॉर्डिंग टू करंट एग्रीकल्चर पॉलिसी द पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी हैज़ एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम 40% to 60%। क्योंकि ये हमारी कैश क्रॉप है तो इसको जो है ना वो कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इसकी प्रोडक्शन जो होगी वो 40% से बढ़ाकर 60% तक कर दी जाए। टोबैको, टोबैको इज़ ग्रोन मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। ये केपी के और पंजाब में जो है इसको बोया जाता है या काश्त किया जाता है। फार्मर्स हैव स्टार्टेड इंटर क्रॉपिंग टोबैको विद वेजिटेबल एंड शुगर केन टू इंक्रीज रिटर्न्स। यानी पाकिस्तान में जो है ना जितने भी फार्मर्स हैं वो इनको वेजिटेबल्स और टोबैको को जो है ना वो काश्त करने शुरू किए हैं कि इनका जो है वो डबल मुनाफा जो है वो इससे लिया जाए। About half of the total production is used for cigarette and the remainder used in traditional ways of smoking. यानी ज़्यादातर तो टोबैको को जो है वो स्मोकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ देहातों में जो लोग हैं इनहैंड रोल सिगरेट कार बीरीज इन्वर्टर पाइप्स एंड एसनफ, यानी खुद बना के जो सिगरेट पीते हैं या फिर जो हुक्का टाइप चीज़ होती है उससे उसमें डाली जाती है तंबाकू जो है इस तरह यूज। द शेयर ऑफ इम्पॉर्टेड तंबाको इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर हाई क्वालिटी सिगरेट। यानी हाई क्वालिटी सिगरेट बनाने के वजह से जो है ना इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। देन वी विल सी द अबाउट द लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में जो में हमारा कौन कौन सा चीज़ें आती हैं। लाइफ स्टॉक अकाउंट 40% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इस ये 40% जो है ना इसका एग्रीकल्चर में शेयर है एंड 9% ऑफ टोटल जीडीपी और 9% टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इसका रोल है। प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स आर मिल्क बीफ मटन पोल्ट्री एंड वूल। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ स्टॉक में आती हैं। इन एन एफर्ट टू इन्हेंस मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अ कॉम्प्रीहेंसिव लाइफ स्टॉक डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट विद एशियन डिवेलपमेंट बैंक असिस्टेंट। क्योंकि आपको पता है दूध पोल्ट्री की चीज़ें मटन ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे खाने पीने और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, तो इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत थी, इसलिए पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है मिलके इसको जो है ना इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च करने का सोचा है। पोल्ट्री प्रोडक्शन प्रोवाइड्स एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर लो कॉस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मॉडर्न पोल्ट्री प्रोडक्शन इज़ कंस्ट्रेंड बाई हाई मोर्टेलिटी हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ पुअर क्वालिटी चिक्स एंड पुअर क्वालिटी फीड कम्बाइंड विद एन इनएडिक्वेट मार्केटिंग सीगन। फ्रोजन पोल्ट्री आर ओनली रिसेंटली बीन यूज। यानी पहले जो था वो पोल्ट्री की जो थी वो प्रोटीन का जरिया यानी गोश्त में ऑब्वियसली प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ जगहों से इसकी प्रोडक्शन में जो है ना पुअर क्वालिटी होती है जो कि डैमेज होती है जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए। फ्रोजन जो है वो पोल्ट्री की कुछ चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आपको पता है जंगलात भी हमारे जो है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है। जंगलात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरख्त लगाना हमारे लिए दरख्त जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, दूसरा जो है वो पोल्यूशन कम करते हैं और तीसरा जो है वो इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। तो फॉरेस्ट कवर एन एरिया ऑफ 4.2 मिलियन हेक्टर्स और अबाउट 5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। द प्रिंसिपल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर टिम्बर
प्रिंसिपल फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड फायरवुड। ये कुछ इलाके जहाँ पे गैस की सहूलत नहीं होती, बहुत से इलाके जैसे गांव के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे वो लोग लकड़ियाँ ही यूज़ करते हैं और फिर इन से लकड़ी से फर्नीचर बनता है और कंस्ट्रक्शन के काम आती हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है हमारी फॉरेस्ट से भी पूरी होती हैं। मैनी ऑफ द कंट्रीज वुडेड एरियाज आर सेवरली डिपीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। द गवर्नमेंट है रिस्ट्रिक्टेड कटिंग इट टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग रिसोर्स थ्रू करप्शन ऑफ वन जियो प्रेडाइज इन्वायरमेंट एफर्ट्स एंड हैज़ लोअर ड्यूटीज़ टू इनकरेज इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं कि जो लकड़ी इस तरह से लकड़ी जो है वो काटी नहीं जाएगी बिना इजाज़त के, और जो कि हमारी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लकड़ी से हासिल करते हैं, हम जो इम्पोर्ट करते हैं हम, ठीक है। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स एंड एस्टिमेटेड 150 मिलियन ऑफ वुड प्रोडक्ट एनुअली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलराइजिंग डिमांड बाय अ वेल्थी। हमारे पास दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें लकड़ियों जो चीज़ें हमें लकड़ी से वुडी चीज़ें जो है ना हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती हैं हमारी डेली यूज़ डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के नाते हमारा जो जंगलात का सेक्टर है वो बहुत कम है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एग्रीकल्चर का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, हमारी जो है वो डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर इज़ प्रोवाइडिंग फूड एंड रॉ मटेरियल टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी इंडस्ट्रीज़ को हम रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पहुंचाता है, जिससे जो है वो अपना जो है वो डेली वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलती हैं। इट इज़ क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय द रूरल पीपल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परचेजिंग पावर एंड बाय देम ऑन सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस। यानी वो काश्तकार जो है वो उगाते हैं चीज़ें और अपनी जो है ना मार्केट में बेचते हैं और वो जो है वो फिर इंडस्ट्रीज तक पहुंचती हैं। इट इज़ अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। पर हमारे फॉरेन जो है वो वैल्यू बढ़ती है, हमारी फॉरेन जो है वो हमारा जो फॉरेन ज़र मुबादला हम कमाते हैं या हम दूसरों मुल्कों को बेच के चीज़ें कमाते हैं वो बढ़ता है, हमारी अर्निंग ज़्यादा होती है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ वास्ट आर्मी ऑफ अनएजुकेटेड बैकवर्ड एंड स्किल्ड लेबर, यानी जो लोग जिनके पास स्किल्स कोई नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और वहाँ पे काम करते हैं और अपना जो है वो रोज़गार कमाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इज़ टू बी इनिशिएटेड मेड सेल्फ सस्टेनिंग इट मस्ट बिगिन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज़ प्लेइंग रोल इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जारी बात है हमारा एग्रीकल्चर जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी हमारी नेशनल इनकम स्ट्रॉन्ग होगी। एग्रीकल्चर इन एडवांसमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटीरियल्स फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज स्पेशली इन डिवेलपिंग कंट्री। The progress in agriculture sector provides surplus for increasing the export of agriculture products. जैसे ही हमारी जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो प्रोग्रेस होगी तो ऑब्वियसली जो है हमारी एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो बढ़ेंगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारे लिए ये फ़ायदा मंद। एग्रीकल्चर अब्सॉर्ब अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ लेबर, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे इसमें जो है ना वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता ही है कि हमें जो है ना जैसे हमारा पाकिस्तान है करीब या पुअर कंट्री को जो है ना बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इन द इनिशियल स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ एग्रीकल्चर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक एग्रीकल्चर ही जो है वो एक फर्स्ट जो होता है एक आपका सेक्टर होता है जो कि आपकी ग्रोथ करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि एग्रीकल्चर को जो है वो
फेस करना पड़ती है, जिसमें इरिगेशन इशू है, यानी कि पानी का सही से इस्तेमाल नहीं है, पानी की इरिगेशन सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ इलाकों तक पानी पहुंचता है, कुछ इलाकों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से जो है फसलें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और जो है वो उन्हें जो है ना सही पानी नहीं मिलता। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ का पानी अच्छा नहीं है नीचे वाला, वो लोग वहाँ पर ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से उनकी फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। वाटर इशूज़ में भी ये आता है, डिफॉरेस्टेशन में भी दरख्तों की कटाई हो जाती है, जैसे मौसम ख़राब हो, सैलाब आते हैं जिसकी वजह से दरख्त गिर जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स हर गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसमें जो है ना वो सही तरीके से अमल नहीं किया जाता, वो जो सही हिस्सा होता है जिसका उस तक नहीं पहुँचना, किसान हमेशा जो होता है वो डिग्रेड ही होता है। वाटर लॉगिंग का बहुत मसला होता है, कहीं पे बंजर ज़मीन है और कहीं पे जो है वो ज़मीन ऐसी है जहाँ पे फसलें नहीं उग सकती, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। इंटरनेशनल कंपल्शन कंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमेशा जो होती है हमारी, इंटरनेशनली जो इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी पॉलिसीज़ में, वो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई दफ़ा बहुत बुरा साबित होती है, और हमारी अपनी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ख़राब होती हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को जो है वो सही से जो है वो नहीं चला सकती। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर किसी यहाँ पर कोई जो है ना वो एहतसाब का नहीं है, अगर कोई करप्शन कर रहा है किसी जगह पर तो वो कर रहा है, और किसान जो है वो निचले दर्जे का वो पिस रहा है, उसको कोई, उसके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है, उसके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, गंदम उनसे कम कीमत में ख़रीद के जो है ना वो ज़्यादा दामों में बेची जाती है, तो जो नुकसान है वो मेहनत जो है वो किसान करता है, लेकिन उनको जो है वो उतना पे नहीं किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अभी तक हमारे जो इलाके हैं जहाँ पे जैसे गाँव के इलाके हैं वहाँ पे अभी तक वो सिस्टम जो है ना वो वही पुराना ही सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे बहुत कम जो है ना वो लोगों को पास मशीनरी है उनको जो है वो किया जाता है। रिकमेंडेशन क्या है, रीमैप द स्ट्रेटेजिक प्लान टू प्रमोट द एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई जाएँ, ऐसे प्लान बनाए जाएँ जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। प्रोवाइड द इंटरेस्ट फ्री बेयरिंग लोन्स, किसानों को लोन जो है ना वो इंटरेस्ट सूद के बगैर दिए जाएँ, ताकि वो जो है अगर उनको लोन्स की ज़रूरत हो तो वो लोन ले सकें, ये ना हो कि सारी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर फिर वो सूद ही अदा करते रहें। मेक अवेयरनेस प्रोग्राम टू कॉप अप द चैलेंज एंड अनसर्टेनिटी, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएँ जो कि अवेयरनेस पैदा करें इस फील्ड से रिलेटेड। मेक स्ट्रेटजिक कोलेशन बिटवीन प्राइवेट लैंड ओनर्स एंड गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर कंसर्न टू रिकाउंसल द एग्री सेक्टर फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन वेलफेयर, और जो लैंड ओनर होते हैं और गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो एक कोलेशन पैदा होना चाहिए, एक उनमें हम आहंगी होनी चाहिए। गवर्नमेंट हैव टू टेक द सीरियस कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके लिए उन्हें जो है क्योंकि ये बैकबोन है हमारा तो सेक्टर है, तो इसके लिए स्पेशल जो है ना उन्हें सीरियस इसके बारे में सोचना चाहिए, इस सेक्टर के बारे में। डेवलपिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एकेडमिया टू अंडरटेक रिसर्च एंड डिवेलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको डिवेलप किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म जो है ना उसको हम फ़ायदा हासिल करें। फॉरेस्ट्री साइड इज़ नॉट परफॉर्मिंग बेटर ड्यू टू द लैकनेस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट साइड ने हमेशा जो है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने हमेशा जो है इसको जो है ना फॉरेस्ट्री को एक साइड पर रखा है, दरख्त लगाने और इसमें जो है ना वो कोई पॉलिसीज नहीं लेके आए। सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इंटरेस्ट टू डेवलप द फॉरेस्ट्री सेक्टर। फॉरेस्ट्री सेक्टर को जैसे हम डेवलप करेंगे हमारी अपनी ज़रूरियात भी पूरी होंगी और इससे हमें फ़ायदा भी होगा। गवर्नमेंट हैव टू टेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कमोडिटीज टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड मेंटेनिंग इट्स फूड क्वालिटी फॉर लॉन्ग टाइम भी। फूड को जो है ना वो पॉलिसीज़ ऐसे ही बनाई जाए जो हमारा फूड है उसको जो हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, ये ना हो कि कुछ जो है वो जैसे वो लोग सेव कर लेते हैं और जो ब्लैक कर ली जाती है वो चीज़ें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। सो थैंक यू, दिस वाज द लेक्चर अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।